Welcome to my channel, BRS Diversion, and welcome to the game jiska naam hai Prince of Persia The Forgotten Sands. Ye Prince of Persia ka last part hai jo ki release hua tha. Iske baad koi part aaya nahi apne generation mein, jo next gen generation wala hota hai us generation mein ek hi Prince of Persia ka part nahi hai. Aur main ummeed kar raha hu, aur maine kahin suna hai, rumor hai ki kahin na kahin Ubisoft is E3 mein ya agle saal ki E3 mein reveal kar sakta hai ki Prince of Persia ka naya part nikalne wala hai re bhai. So bina kisi deri ke shuru karte hain. तो शुरुआत हो चुकी है प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स के. मैं आज कुछ मिनट्स खेलने वाला हूँ प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गेम काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले प्रिंस ऑफ पर्शिया के सारे पार्ट खेले हैं बट फॉरगॉटन सैंड्स मैंने नहीं खेला है. सो ये कुछ एक्साइटिंग होने वाला है कि मुझे देखना है कि कैसे होने वाला है इसके कुछ मिनट्स या फर्स्ट के कुछ मिनट जो भी मैं खेलने वाला हूँ. ये जो कि एक नेटिव मूवी है, कट सीन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम काट भी सकता हूँ. इसके सब टाइटल काफ़ी ज़बरदस्त है रे दोस्त. प्रिंस ऑफ पर्शिया आए रे भाई. इसकी वैसे आपको पता होगा कि इसकी मूवी भी निकली थी एक, और ये मुझसे पूछ रही है व्हाट्स अप ड्यूड, जो भी है कौन था पता नहीं मुझे. आई डोंट नो मैन. प्रिंस मलिक. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother that someday I might be as great a leader as he is. पर देख के तो लग रहा है कि बन चुका है दोस्त एकदम ग्रेटर लीडर, क्योंकि देख के लग रहा है काफी अच्छा वॉरियर है. It holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. मूवी जबरदस्त लग रही है. इसका जो नेटिव क्वालिटी था ना उस जमाने का और इस जमाने जैसे कि कुछ ज्यादा ही अपग्रेडेड है. और आजकल जो होता है कि मूवी और गेम प्ले में कोई फर्क रहता नहीं है, पर पिछले जमाने में क्या था कि मूवी जैसी होती है उससे गेम प्ले थोड़ा सा डिग्रेडेड रहता है उसका ग्राफिक, क्योंकि मूवी जो होती है वो एक तरह से CGI मूवी रहती है, तो एक तरह से अलग होला ही है, तो इसलिए बहुत अलग होता है. और इसके नेटिव मूवी जबरदस्त लग रहे थे भाई. तो हम जैसे कि अखाड़े में पहुंच चुके हैं और अब होने वाला है कुछ जबरदस्त सीक्वेंस, क्योंकि देखने में लग रहा है कि जबरदस्त होने वाला है. इसलिए वैसे ये काफी जबरदस्त लग रहा है. इसको मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के काफी कैरेक्टर में रिलेट कर सकता हूँ इनसे, क्योंकि ये लोग वैसे ही है. इसे बोलते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया स्टाइल, जैसे कि हमेशा रेट्रो स्टाइल ऐसे ही माना जाता है, यहाँ से वहाँ जंप करना एकदम असासिन क्रीड की तरह. और जैसे कि आपको पता है कि इस जिस प्रिंस ऑफ पर्शिया को जिसने बनाया उस कंपनी का नाम है Ubisoft. डूड, सो Ubisoft ये सब मामले में बहुत एक्सपर्ट है, जंपिंग जपांग धमपक धमपक जो भी है. तो इसी के साथ प्रिंस ऑफ पर्शिया का नया पार्ट आएगा तो मैं काफ़ी मज़ा आएगा आने वाला है, तो मज़ा आएगा. इसलिए देखते हैं क्या होता है, इस साल होता है या अगले साल होता है वो बाद में चला है, कोई बात नहीं. तो हम गेम में फोकस करते हैं जो भी होने वाला है आगे चल के. वो भाई क्या इसे बोलते हैं ना सीक्वेंस. ओह ग्रेट, एकदम जबरदस्त. तो गेम प्ले यहां पर स्टार्ट हो चुका है, तो इसी के साथ हम सर शुरुआत करते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स की, सैंड्स का फर्स्ट गेम प्ले. जैसे कि आपने नाम देखा था रैम्पार्ट्स, और ये जंपिंग जपांग जो कि रेट्रो स्टाइल है प्रिंस ऑफ पर्शिया जिसके वजह से जाना जाता है. एंड व्हाट्स अप, आ चुके हैं मैं वॉरियर्स जिसको मुझे अटैक करना है, और यहाँ पर खत्म हो चुके हैं. तो इसमें क्या होता है, गॉड ओवर जैसे आप कलेक्ट भी करने पड़ते, क्योंकि मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया 1, 2, 3 ये सब सारे बहुत सारे पार्ट्स खेले हैं, तो मुझे पता है कि कैसे कलेक्ट करते हैं बड़ी तोड़ को जो कि एकदम गॉड ओवर स्टाइल में. और यहाँ पर भी एक मटकी है, ये मटकी तोड़ देने का रे भाई. Here we go, what's up? RT to run up ना. Here we go. Woo, run toward the wall. Awesome, awesome, awesome दोस्त. ये दरवाजा टूटता है? ना, ये नहीं टूटता. तो आगे मेरे लिए बंदे वेट कर रहे हैं. वाह भाई वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. तो run along the wall and hold RT to perform a wall run. Okay. I can do that. Wow, ये तो एकदम Prince of Persia style है दोस्त. इसी का इंतजार कर रहा था मैं, तो मैं सोच रहा था कि इसमें नहीं दिया होगा. और इसमें जैसे कॉम्बैट काफी जबरदस्त है, इसमें आपको इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करता है कॉम्बैट, क्योंकि आप जैसे कि आप उस बैल्कनी में थे, तो अगर बंदा वहाँ पर कोई खड़ा है तो डायरेक्ट वो गिरा देगा एकदम धक्का मार के. तो यहाँ पर मुझे फिर वॉल रन करना है, और वॉल रन करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, Prince of Persia के पोस्टर्स निकलते हैं इस पर दोस्त, इतना जबरदस्त है.
सो मुझे अभी जाना है साइड में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बता रही, आई थिंक मेरा फेवरेट वर्ड है जो भी है. ओ नीचे बहुत धमाकेदार फाइट चल रही है, वॉर चल रही है. बाहुबली, एक तीर भी मुझे नहीं लगा. इसे बोलते हैं ना एक्सपर्ट दोस्त, एक तीर भी नहीं. वैसे तो वो लक का सा रहा था इसलिए मुझे तीर नहीं लगा, नहीं तो मुझे लग जा रहा था. here we go, तो मैं सही जा रहा हूँ. RT to reach a higher ledge. Here we go. Boom. I think मैं इसको पकड़ सकता हूँ. कितना खतरनाक है यार. मतलब अगर हम रियल लाइफ में सोचते हैं करने की, तो ये जिंदगी में नहीं कर सकते हम. हमारा पहली बार तो पैरी ग्रिप नहीं करेगा. तो अभी क्या कर रहे हैं मुझे, ओह ड्रॉप करना है. ड्रॉप टू द लेज. हियर वी गो. तो आगे वे है, उसके बाद मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे पहुंचना है. बूम, हियर वी गो. मटकी फोड़ देने का ताकि मैं बाद में अपग्रेड कर पाऊं. और ये बोलते हैं इसे इन गेम सिनेमैटिक. ये सिनेमैटिक होती है जो ये आपको मूवी या कुछ शॉर्ट फिल्म मूवी ऐसी देखने को मिलती है. जो सीन्स होते हैं वो इन गेम होते हैं, और वो जो आपको अलग क्वालिटी मिलती है वो होती है नेटिव मूवी. तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है. सो हियर वी गो. बंदे आ चुके हैं लड़ने. डॉज अटैक भी है ना. इतने सारे लोग यार, डॉज की तो ज़रूरत है, अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं. हियर वी गो. इससे पहली बार तो आजकल के ज़माने में क्या होता है कि सारे जितने भी ग्रीक या माइथोलॉजी के गेम है या कोई भी असासिन क्रीड है, उन सब पार्टों में काउंटर अटैक्स है. तो अगर प्रिंस ऑफ पर्शिया इस ज़माने में आता है तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटर अटैक्स तो हो रहा ही है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ज़माने में कोई गेम निकल जाए काउंटर अटैक्स ही ना हो, नहीं तो उसमें और ज़बरदस्त मूव होता है. तो काउंटर अटैक्स तो होना है, इतना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. ओए तेरी जंप खतरनाक करता है यार. आई थिंक किसी टाइप का लॉन्ग जंपर है यार. हियर वी गो. मटकी फोड़ दी सारी मैंने. आगे बढ़ते रहे भाई. तो मुझे ऊपर जाना है, तो कैमरा दिखा रहा है यहाँ पर कि ऊपर जाना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है. लुक लाइक द ओनली वे आउट. यहाँ पर कोई बात नहीं है. सो हियर वी गो. ये गया पहला लैच, उसके बाद यहाँ पर ये गया दूसरा, उसके बाद जंप असासिन क्रीड स्टाइल में दोस्त. क्या ये जाएगा नहीं? और शिट, उसकी जंपिंग काफी लॉन्ग है यार. काफी लॉन्ग जंपिंग करता है ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का बंदा. पहले जब मैं खेलता था ना ये सब गेम, तो मुझे बहुत दिक्कत होता करने में कि कैसे करते यार. पर जब मैं खेलते खेलते प्रैक्टिस हो जाती थी, तो हमेशा मैं एक्सपर्ट बन जाता था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया में अगर फर्स्ट टाइम खेल रहे तो ये सब चीज़ें आपको करने बहुत दिक्कत होगी. पहले तो आपको ले करते कैसे यार, ये तो मैं कर रहा. और मैंने जम किया तो हेवी गो टूट गया. शेट, आई थिंक मुझे नहीं जाना था, पर कोई बात नहीं. इसे बोलते हैं ना डॉज. इसके बॉडी खतरनाक है यार. इस प्रिंस ऑफ पर्शिया, जिसको ये ऐसे कि प्रिंस है, क्योंकि इसके कपड़े भी काफी प्रिंस जैसे हैं. जो वॉरियर है, वॉरियर दोस्त, फ्रिकिंग वॉरियर. आई एम अ वॉरियर ड्यूड. डन. ये भी गया. सो मुझे वॉल रनिंग करनी है. हो एक और बार लक. इस बार ही मेरा लक काफी जबरदस्त, क्योंकि एकदम नजदीक आ गया था दोस्त. सारी चीजें नजदीक थी पर मैं बच गया. कोई बात नहीं, सही है. टू रन टू व्हाट्स इट. ओ पर्दे के नीचे अपनी जाना है. ऑसम स्टाइल. उस जमाने में भी एकदम जबरदस्त स्टाइल से लैंडिंग दोस्त. इसे बोलते हैं ना लैंडिंग. अरे क्या मैं अटक जाता हूँ, स्टक हो जाता हूँ. अरे भाई, तो आगे जाना है. वॉल रन. हियर वी गो. यहाँ पर भी ऑब्वियसली वॉल रन करनी, क्योंकि आपको जहाँ वॉल रन यहाँ पर ही वही करना है. पर्दा है, पर्दा. हियर वी गो. पर्दा मिल गया. अरे भाई, पर्दे वाली लैंडिंग बोलते हैं, मैंने नया नाम दिया इसको. पर्दे में लैंडिंग कमिंग सून. शिट. ओह नया जमाने का, मतलब सॉरी नया टेक्निक सीखने को मिला मुझे. कूल मैन, कूल, ऑसम. एक और लैंडिंग, पर्दा लैंडिंग. हियर वी गो. तो हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उस बटन में फॉरगॉटन सैंड का लोगो है. जो मेरे पीसी में डेस्कटॉप में लोगो है ना, वो वाला लोगो है फॉरगॉटन सैंड का, जो कि मुझे लॉन्च करना है. वेट है, मैं पहले कर लेता हूँ क्या करना है. ओके हियर वी गो. तो सारा तोड़ दिया मैंने. नहीं, आगे और ही बाकी है. मैंने दबा दिया था. शिट. ओ व्हाट्स अप गाइस. एरियल स्मैश. ये क्या है? परफॉर्म एन एरियल स्मैश. यू प्ले एक्शन. तो उस जमाने में, जैसे कि वो पता होगा कि यू प्ले एक्शन एक जमाना था, तो इसे बोलते एरियल डैश ना. तो डन. तो यहाँ पर मेरा खुलता है. आई थिंक टाइम है. हियर वी गो. तो टाइमिंग दे रखी थी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी करना है. शिट शिट. कोई बात नहीं. आई कैन वॉल रन. शिट, ये वॉल रन नहीं कर पा रहा यार. तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर ही जाना है फिर. तो मैंने कुछ चीज़ें सक्सेसफुली नहीं की है. जिस शिट. ओहो, मैंने समझ गया, मैं गलत कंट्रोल दबा रहा था. जैसे कि मुझे पता कि आर टी दबाना है, और मैं क्या दबा रहा था? गलत बटन. तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था. तो कोई बात नहीं. शिट यार, ऐसे वॉल रन नहीं करते यार. हियर वी गो.
जंप, उसके बाद ऊपर की तरफ तो नहीं जाना है मुझे, एकदम सीधे की तरफ। ओए शिट, वॉल रन, हियर वी गो दोस्त। अरे यार इसका कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, पर कोई बात नहीं, सब ठीक है। कैमरा उसको प्रॉब्लम नहीं भी बोल सकते हम। बूम, बटन भी दबाया साथ में, कौन सा, ओ ये है ना। सो इसे बोलते हैं ना सक्सेसफुल टाइमिंग दोस्त। अभी मैं काफी प्रो की तरह खेल रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है इस गेम खेलने में। तो ये गेम वन, इसे बोलते हैं ना गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया। पहले के जमाने में गेम ही कुछ और हुआ करते थे, एकदम जबरदस्त तरह के गेम निकलते, हर गेम कुछ ना कुछ तो होता ही था उसमें। और प्रिंस ऑफ पर्शिया का सारे पार्ट, मतलब प्रिंस ऑफ पर्शिया इतनी बड़ी फ्रेंचाइज थी ना उस जमाने में, एक एक बंदा उसका दीवाना था। मेकअप मालिक, ये कौन है मालिक, व्हाट्सअप मुझे देख यार। जैसे कि आपने फर्स्ट में अगर देखा होगा तो मलिक मेरा भाई है और मैं उसका भाई हूँ, तो फोर्ट्रेस ना, हियर वी गो। तो सेकंड स्टेज शुरू हो चुका आई थिंक, फोर्ट्रेस, कोई बात नहीं। जंपिंग जपांग दंपक दंपक, हियर वी गो। एक्स टू फिनिश हिम ऑफ द व्हेन एन एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। तो ऑब्वियसली मैं यही दबा रहा हूँ कब से। इसमें कोई हैवी अटैक वाला नहीं है ना मूव, कोई बात नहीं, अभी तक आया नहीं, आई थिंक बाद में आ जाएगा। और कोई मटके यहाँ पर, मटका मटका दे दे रे भाई, दे दिया रे भाई। मुझे मजा आ रहा है इस गेम खेलने में, एकदम ऑसम गेम है। सो और ऊपर जाना है मुझे। हियर वी गो, इसे बोलते हैं सक्सेसफुल लैंडिंग, इसको डर ही नहीं यार। रन अप, हियर वी गो। कैमरा एंगल मतलब काफी मस्त दिए, एक तरह से कभी कभी प्रॉब्लम भी लगता है कैमरा एंगल क्या दिया यार, बट कभी कभी मस्त भी लगता है क्या बनाया इस गेम को यार। इसको बोलते हैं ना गेम, आजकल के जमाने में कभी कभी तो मिलते ही नहीं ऐसे गेम, मैं ढूंढते फिर जाता हूँ ऐसे गेम चाहिए यार। प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड, अरे वाह भाई वाह। टू डू अ पावर अटैक, आई थिंक होल्ड कर रहा है मुझे, ओ होल्ड, हियर वी गो। ओए 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 ओए, जबरदस्त, एकदम चमक गई थी मेरी तलवार दो, इसे बोलते हैं ना पावर। इसमें बाकी चल के आपको बहुत सारे अपग्रेडेशन ही मिलेंगे जो कि मैं करूंगा बाद में। सो मुझे बस वेट एंड वॉच करना है और कुछ नहीं। हियर वी गो, हियर वी गो। सारे ईट मेरे लिए रेडी हैं, एकदम मेरे लिए वे बना चुके हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, हर जगह जाना है। Here we go. ओ ये वॉल रन के लिए मैंने खोला, इसे बोलते हैं ना दिमाग, सब कुछ सेट है दोस्त। यूबीसॉफ्ट भी एक बड़ी कंपनी है, जबरदस्त गेम बनाती है, जबरदस्त। हे मालिक, मुझे देख सकता है तू? फॉल बैक मालिक। ये मालिक मुझे नहीं देख पा रहा, मुझे नहीं पता। और इसी के साथ हमारे कुछ मिनट्स खत्म होते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स। तो मैं फिर वही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये गेम मजा आ रहा है या इसका गेम प्ले देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये गेम देखना है, इसका और भी पार्ट्स देखना है। सो प्लीज, और मैं अगर मैं ऐसे नहीं बनाने वाला कि एक दो कमेंट, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तभी मैं बनाने वाला उसके सबसे ज्यादा पार्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बीआरएस डायवर्जन। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।